आज हम बताएंगे जो कमेंट हमारे पास आए हैं उनके बारे में, जिन भाइयों ने बोला था कि जो रस्सी गुंदाई वाली जो डिज़ाइन बना था उसके अंदर घंघरू डाल के दिखाएं, वो घंघरू कैसे डलते हैं और घंघरू डलने के बाद उसकी गुंदाई से चुरासी कैसे बन जाएगी पशुओं के गले में बांधने के लिए। वो ये घंघरू हमारे पास, ये एक हम रस्सी के अंदर, वैसे तो पहले मैंने पिरो रखे हैं, वो अलग से दिखाता हूँ मैं। इस रस्सी के अंदर एक बार हम ये घुंघरू इस तरह डाल लेंगे, ऐसे डल जाएंगे। पहले डालने हमें, उसके बाद हम ये रस्सी लेंगे जिसके ये पांच तार या 2.5 mm से भी नीचे ही, एक सर बना के दिखाने के लिए इसकी लंबाई चौड़ाई के बारे में ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत नहीं, जितना भी साइज बना गया था हमारे पास वो दिखाते हैं हम भाई बने कैसे की। इसके सिरों के हम गांठ लगाएंगे पहले, तो और इस रस्सी के हम ये एक बार के लिए यहाँ बांध देते हैं इसको, ये इसलिए बना के दिखाते हैं कि जो इनका साइज है घंघरू का, इसका है नाका थोड़ा बारीक यानी छोटा, और रस्सी है मोटी, इसके अंदर आएगा नहीं, नहीं तो इसके अंदर डल जाते हैं। तो ये तीसरी रस्सी हमने लेनी पड़ेगी इसके साथ साथ, इस तरह लेंगे हम। और इसको हम बनाने के लिए क्या करेंगे, ऐसे पैर के अंगूठे में डालते हैं और यहाँ दबा लेंगे इसी तरह से, इसको भी हम ये दबा लेते हैं ऐसे, और ये एक कलर की भी ले सकते हैं, 2.5 mm की रस्सी है, और थोड़ा डिज़ाइन बनाने के लिए दो कलर भी कर सकते हैं हम इनको। वैसे तो दो बनाने के लिए किसी भी मोमबत्ती वगैरह या दीपक वगैरह से या माचिस की तिल्ली से गर्म करके हम चिपका भी सकते हैं ताकि बद्दी ना लगे। ये हम इसको माचिस की तिल्ली से जोड़ के दिखाएंगे आपको, इस तरह दोनों रस्सियों को हम गर्म करेंगे, ऐसे चिपका देंगे। ये हमारा जोड़ रखेगा, इसको यहाँ से निकाल कर और यहाँ एक गांठ यानी आठ ये लगा देंगे। ये बने कैसे की इसके बारे में देखो थोड़ा ध्यान से, इसको ऐसे दोरी करके इस तरह से यानी ऐसे यहाँ रखनी है, उसके बाद ये वाली पीले वाली इसके ऊपर से आएगी ऐसे, और इसको इसके नीचे से निकाल कर यहाँ से निकालेंगे इस तरह, और ये वाली को हम टाइट करेंगे लाल वाली को। हर बार हम ऐसे ही करते चलेंगे ये, और ये वाली यानी पीले वाली ऊपर से आएगी और यहाँ नीचे से इसको हम ऊपर की साइड निकाल देंगे ऐसे, लाल को ऐसे दोरी करके ऐसे लगाते रहेंगे और पीले वाली ऊपर से आएगी और नीचे से निकलती रहेगी, फिर लाल को खींचकर ऐसे टाइट करेंगे।
अब हमने क्या करना है, जैसे 2-8 के बाद, 3 के बाद या 4 के बाद, जितना भी हमने फैसला लेना है, ये घुंघरू को आगे सरका के ले आएंगे, यहाँ नीचे आ जाएगा ये। फिर ये लाल वाली और ऊपर से पीले वाली, नीचे से बाहर निकालते रहो। ये बार बार ऐसे ही आती रहेगी ये। हमने 2-8 लगा दी इसकी। अब फिर घुंघरू को आगे ले आते हैं, फिर ये ऐसे और ये, फिर वही 8 पहले वाली, फिर दोबारा से ऐसे ही चलती रहेगी। दो लगने के बाद फिर तीसरे वाला घुंघरू आ जाएगा आगे इस तरह से। उसके बाद चौथे वाला घुंघरू, और ये रस्सी पूरी होने की वजह से यानी हमारी कंप्लीट तैयार होगी।